हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल डिवाइन सेज टैरो। और फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ नया कर रहे होंगे और अपने अच्छे कामों के लिए गॉड को ग्रेटिट्यूड पे कर रहे होंगे। आपको जो भी मिला है, जितनी भी ब्लेसिंग्स आपको गॉड ने दी हैं, उनके लिए आप हमेशा उनको ग्रेटिट्यूड पे करिएगा। क्योंकि समटाइम्स जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, जो ब्लेसिंग्स हमारे पास होती हैं, वो दूसरों के पास नहीं होती हैं। तो हमारे पास जो है, उसके लिए गॉड को धन्यवाद कहिए और जीवन में प्रतिदिन कुछ नया सीखते रहिए। बुराइयों से दूर रहिए। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई टैरो रीडिंग के साथ। और इस टैरो रीडिंग में मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर की रियलिटी क्या है, उनकी असलियत क्या है आपके लिए। देखिए, मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक फीमेल का मैसेज था कि मैम, मेरे पार्टनर मुझे छोड़कर थर्ड पार्टी को अपना चुके हैं, उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया है। तो फ्रेंड्स, पहली बात मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर कोई पर्सन आपको मुंह पर बोलकर जा रहा है, मना करके जा रहा है, उसको जाने दीजिएगा। वो आपको कुछ सबक देने आया था जीवन के, कुछ लेसन सिखाने आया था। उसने अपना काम किया और वो चला गया। अब आप ये सोचिएगा कि आपने इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपका पर्सन या आपका कार्मिक पार्टनर आपको छोड़ कर गया है। वो कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर आपको देकर गया होगा। उन लेसन्स को सीखिएगा और उन लेसन को अपनी ज़िंदगी में सबक की तरह से यूज करिएगा। आगे अगर आप किसी भी रिश्ते में आ रही हैं या आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जो भूल आपने पहले की है वो आगे ना हो। बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में नहीं आना है। सामने वाले के लिए बिल्कुल अपना दिल खोलकर नहीं रख देना है। क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा देते हो सामने वाले को, तो उसको आपके फीलिंग्स की और आपके हार्ट की वैल्यू नहीं रहती है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अपने आप से प्यार कीजिएगा, सेल्फ लव में रहिएगा। और यहाँ पर दो डेक रखी हुई हैं मैंने। इस डेक से मैं चेक करूँगी कि उनकी भावनाएं आपके लिए क्या हैं, और इस डेक से चेक करूँगी कि उनकी भावनाएं उनकी फैमिली के लिए या थर्ड पार्टी के लिए क्या हैं। तो रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और जेंडर फ्री है। तो रीडिंग को नॉर्मली लीजिएगा। अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको हर्ट कर रहा है, तो उसको अवॉइड करिएगा, पॉजिटिव बने रहिएगा और पॉजिटिव होकर ही लाइफ में आगे बढ़िएगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। पहले हम चेक करेंगे इस वाली डेक से कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या ट्रू हिडन फीलिंग्स हैं। भाई, उनके दिल में आपके लिए क्या है? हस्बैंड वाइफ हों, लवर्स हों, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, चेक करेंगे कि उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स को, थैंक यू सो मच। देखिएगा डियर फ्रेंड्स, कार्ड सफल करके मैंने निकाल लिए हैं और बॉटम ऑफ डेक ओवरऑल एनर्जी लवर्स की आई है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कार्ड्स। देखिएगा, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ओ माय गॉड, अब मैं क्या बोलूँ। मैंने आपके सामने ही कार्ड्स सारे सफल किए हैं, चेक कर लीजिएगा। एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
आप चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स उनकी फैमिली के लिए या उनकी थर्ड पार्टी वॉट एवर जो भी है थर्ड पार्टी में, उनकी एक्स है, उनकी एक्स वाइफ है, एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स हस्बैंड है, जो भी थिंग है उनके जीवन में, चेक करते हैं कि उनकी थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। फाइव ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू। थ्री ऑफ कॉइन्स, थोड़ा सा शिफ्ट करती हूँ। ओके, जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक मजिशियन, टेन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही है इन कार्ड्स से कि उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ये पर्सन आपके एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वीरगो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, एरीज हो सकती है इनकी राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये थोड़े से जिद्दी हैं, अपने थिंग्स को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, मैं, मेरा, मुझे, ये इनके बातों में रहता है। मे भी जितने भी फोर्सेस लगती हैं या जितने भी योगदान, जितने भी एफर्ट्स लगते हैं वो आपकी तरफ से ज़्यादा लगते हैं। ये बस मूक दर्शक बन के देखते हैं और आप अपनी तरफ से हर कोशिश करती हो, आप अपनी तरफ से मैसेजेस सेंड करती हो, आप अपनी तरफ से उनके लिए जो भी ओकेज़न आता है, मान लीजिएगा कि वैलेंटाइन डे आने वाला है, आप पहले से ही ड्रीम्स देखने लगती हो या लगते हो कि भाई मैं इस तरीके से ये करूँगा या वो करूँगी या मैं इस तरीके से सेलिब्रेट करूँगा या उनको सरप्राइज़ दूँगी या दूँगा। ये चीज़ें आपने बहुत की हैं, आपने बहुत कुछ सोचा है, आप उनकी एक एक चीज़ के लिए, उनको एक एक गिफ्ट देने के लिए, मे बी आपने, अगर उनके लिए एक गिफ्ट लेना है, मे बी आपने 10 दुकानों को, 10 शॉप पर जाकर वो चीज़ ढूंढी होगी। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा जब तक कि आपने सबसे बेटर, सबसे उम्दा उनके लिए कोई गिफ्ट ना ख़रीदा हो, और आपने अपनी तरफ से इतने इतने एफर्ट्स लगाए हैं। और इस पर्सन की ओर से जब हमेशा हाँ हूँ, गया था, आया हूँ, खाया है, पिया है, ये है, वो है, जब इस तरीके के आपको मैसेजेस मिलते थे तो आपका जो ज्वालामुखी है ना गुस्से का, वो फट जाता है। और इस वक्त आप में भी खुद को गार्ड कर चुकी हैं, खुद को अपनी पावर में ला चुकी हैं, आप इस पर्सन से उतना ही इंटरेक्ट करती हैं जितना कि ये बेशक आपके पार्टनर हों, आप इन्हें बहुत प्यार करती हूँ, दिल से चाहती हूँ। लेकिन हमारी कुछ फीमेल, कुछ मेल व्यूअर्स ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने खुद को समेट लिया है अपने आप में, जिन्होंने खुद को गार्ड कर लिया है, वो उतना ही इंटरेक्ट करते हैं उनसे जितना कि वो उनको तवज्जो देते हैं या देती हैं। तो इस वक्त आप इनकी निगाहों में एक ऐसी लेडी बनी हुई हो जो अपने आपके लिए खड़ी है, जो अपनी खुशियों के लिए खड़ी है, जो अपने लिए स्टैंड लेना जानती है या जानता है। सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स,
रिलेशनशिप आपसे रखना चाहते हैं, लेकिन चोरी चोरी आपसे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं लेकिन चोरी चोरी रखना चाहते हैं। समाज से डर लगता है, दुनिया से डर लगता है। अरे भैया, जब डर ही लगता है तो फिर रिश्ते बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना। जब उस वक्त आप पीछे पीछे घूम रहे थे, आपने धरती आसमान एक कर दिया, उस वक्त आपको नहीं लगा कि मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे पड़ोसी या मेरे समाज के लोग क्या कहेंगे। अब आप मुंह छिपाना चाहते हो, आप अपने आप को छिपाना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को भी छिपा के रखना चाहते हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जब प्यार किया तो डरना क्या, हिम्मत रखो भाई। प्यार कर रहे हो तो हिम्मत रखो, अदरवाइज़ ये इस तरीके से कि फ्रेंडशिप है ये नहीं होते हैं, ये रिलेशनशिप नहीं होते हैं कि खाना पीना हुआ फिर अपने अपने घर चल दिए और फिर मैं कौन तू कौन, इस तरीके से रिश्ते नहीं निभते हैं। तो आपका पार्टनर जो ये चाहता है कि चोरी छिपे हों सारी चीज़ें, वो मे बी आपको पसंद नहीं है। और सम टाइम इस बात को लेकर आपके दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, और फिर आप दोनों एक भी हो जाते हो क्योंकि आप दोनों रह नहीं सकते हो। आप डीप सोलमेट्स हो, एक दूसरे के वेल विशर्स हो, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हो क्योंकि दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए इमोशंस भर भर के हैं। और जिन रिश्तों में इमोशन होते हैं वो रिश्ते जल्दी नहीं टूट पाते हैं। इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, वो यही हैं कि ये आपसे रिश्ता चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जब तक ये खुद कुछ ऐसा ना कर लें, घर वालों को राज़ी कर लें, अपने आप को सॉलिड फाइनेंशियल स्टेट पर ले आएँ, तब तक इस रिश्ते को छुपा के रखा जाए। प्यार आपसे ही है लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत तो बातचीत इधर उधर हो जाती है एज अ फ्रेंड्स। तो इनके दिल में सिर्फ आप ही हो, इमोशनल फीलिंग्स सिर्फ आपके लिए हैं और किसी के लिए नहीं हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं या फिर इन्होंने जिम्मेदारियों का पहाड़ ज़बरदस्ती अपने सिर पे ले रखा है। देखिए, जिम्मेदारियां हर व्यक्ति के पास होती हैं, हर एक के घर में होती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फीमेल के ऊपर अलग तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, मेल के ऊपर अलग तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। तो जिम्मेदारियां हर व्यक्ति के ऊपर होती हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, बहुत आपको बार बार रो रो कर दिखाते हैं और सैड स्टेटस डालते हैं फैमिली के, फ्रेंड्स के, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो सम टाइम आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और इसके बाद आप दोनों में अच्छा आर्ग्यूमेंट भी होता है। तो ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, कि आपको जब भी वो अपने फैमिली के बारे में या अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, आप आग बबूला हो जाती हो और आप उनसे आर्ग्यूमेंट करती हो। आप दोनों के बीच में अच्छा केओस होता है, आप दोनों के बीच में अच्छी फाइट होती है, हॉट टॉक होती है और फिर आप दोनों अलग हो जाते हो, फिर से आप दोनों का सेपरेशन होता है और ये मिनी सेपरेशंस चलते रहते हैं। तो आपके पर्सन को आपसे प्यार है, नो डाउट, आपके लिए इमोशनल फीलिंग्स हैं। बॉटम ऑफ डेक द लवर्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ग्राउंडेड करना चाहते हैं रिश्ते को, लेकिन प्रॉब्लम्स वहीं आ जाती हैं कि थोड़ा सा, मतलब एक कहते हैं ना कि एक व्यक्ति होता है जो दूर की सोच के रिलेशनशिप को चलाता है, एक व्यक्ति जो छोटी छोटी चीज़ों से डर के बैठ जाता है, चुपचाप से थक के बैठ जाता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो कुछ इस तरह का नेचर इनका हो सकता है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं खुद को ग्राउंडेड करने की, कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी हैं आपके पार्टनर, ये कोशिश कर रही हैं खुद को ग्राउंडेड करने की, क्योंकि ये आपके बिना रह भी नहीं सकती हैं या रह भी नहीं सकते हैं। तो ये हैं इनकी आपके लिए फीलिंग्स। अब देख लेते हैं इनकी इनके फैमिली के लिए या थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कॉइन्स, थर्ड पार्टी से ये हमेशा बचने की कोशिश करते हैं, थर्ड पार्टी से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्टी से इनकी बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन्होंने उनसे छुपा के रखी हैं, अपने अंदर दबा के रखी हैं, और थर्ड पार्टी
इनके बिजनेस में, इनकी लाइफ में पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहती है। ये जहाँ वर्क करते हैं, जो इनका प्रोफेशन है या इनका जो भी ऑफिस है, ये चाहती है कि वो हर जगह पर अपना इन्फ्लुएंस फैला दे, हर जगह पर अपने आप को स्प्रेड कर दे। मतलब अगर उनके कलीग्स हैं तो वो जान जाएं कि भाई ये इनके साथ है, और अगर ये उनके फैमिली ही मेम्बर्स हैं तो वो ये चाहते हैं कि ये पर्सन जो भी अर्निंग कर रहा है या फ्यूचर में करना चाहता है, वो सारा का सारा इनके पास, इनकी फैमिली के पास जाना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स उनको ये लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, तो मे बी ये जितनी भी अर्निंग्स कर रहे हैं या लाइफ में जो भी अचीवमेंट इनको मिलेंगे, ये लाकर आपकी झोली में डाल देंगे। तो इन बातों को सोचकर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई रहती है, परेशान रहती है, और थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है। देखिए, यहाँ पर सिनेरियो अलग अलग हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, कुछ लोगों के लिए उनके हस्बैंड की सॉरी उनके पार्टनर की कोई एक्स वाइफ या एक्स गर्लफ्रेंड है, कुछ लोगों के लिए कोई अदर पर्सन है। एट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, ये ट्रेवल करना चाहते हैं, ये मूवमेंट करना चाहते हैं। देखिए, आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा प्रॉपर वर्क में नहीं है, मैं बोल रही हूँ लेकिन बार बार मेरा थ्रोट प्रॉब्लम दे रहा है मुझे। तो ये अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अभी भी इनके अंदर इतनी ताकत, इतनी क्षमता या इतना पावर नहीं आई है कि ये अपनी बातों को सामने वाले के सामने खुलकर बोल सकें या अपनी बात को रख सकें। एट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है, जर्नी का कार्ड है। सम टाइम इनका मन करता है कि ये थर्ड पार्टी से रिलीज होकर अलग रहें, इनको जस्टिस चाहिए होता है। ये चाहते हैं कि ईश्वर कुछ ऐसा प्लान कर दे अचानक से, या ईश्वर कुछ ऐसा खेल खेल दे कि ये थर्ड पार्टी अपने आप से, इनकी लाइफ से कट ऑफ हो जाए। ईश्वर से प्रे करते हैं, ईश्वर से जस्टिस चाहते हैं, गॉड से न्याय चाहते हैं, और इनको कहीं ना कहीं ये होप है कि डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर से होगा इनके और थर्ड पार्टी के बीच में। इनका देखिएगा रूट चक्रा भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, और इनका थ्रोट चक्रा भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। इसीलिए जब मैं बोल रही थी तो मुझे गले में थोड़ी सी खिचखिच हो रही थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, और रूट चक्रा प्रॉब्लम में है, रूट चक्रा वर्क नहीं कर रहा है, इसीलिए इतना पावरफुल नहीं है अभी कि खुद को सामने ला सकें और अपनी बात को सामने वाले के आगे रख सकें। सम टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं इनकी लाइफ में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक वाइड नज़रिया चाहते हैं, एक ओपननेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्लियर करना चाहते हैं सभी चीज़ों को जो हो रही हैं इनके साथ, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। लेकिन वही बात है ना कि जब तक फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स रहेंगी, ये अनेबल रहेंगे आने में आपके पास, क्योंकि ये चाहते तो हैं कि आपके साथ फैमिली बने। 10 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, लेकिन जब तक इनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, जब तक इनकी अर्निंग में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं पालेंगे, तब तक थोड़ा सा ये इसी के उसमें रहेंगे कि भाई कब, कैसे, कहाँ अपनी बातों को क्लियर करूँ, कैसे अपनी थॉट्स में क्लियरिटी लेकर आऊँ, कैसे मैं सामने वाले को अपने मन की बात बता सकूँ। मजीशियन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ स्किल्स सीख रहे हैं, लोगों से अपने आप को और ज़्यादा सुपर फाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो भी वर्क है इसमें ये और भी अच्छे स्किल्स सीख रहे हैं, खुद को और ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं या कर रही हैं, हार्ड वर्क कर रही हैं अपने वर्क के लिए, या जो भी ये वर्क करते हैं उस फील्ड में अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स,
रातों की नींद गायब है इनकी, इनको सुकून से नींद आती नहीं है। ये पार्टनर एक नहीं दो तीन परेशानियों से जूझ रहे हैं। मे बी ये इंसोमनिया नामक नींद ना आने की बीमारी से भी जूझ रहे हों इस वक्त। ये बेवजह की परेशानियां और बेवजह की चिंताएं अपने ऊपर ले रहे हैं। होगा वही जो ईश्वर ने लिख दिया है। तो ये आपके लिए फीलिंग्स तो इनकी अभी सही हैं इस वक्त। आगे देखते हैं कि ग्रह नक्षत्र किस तरीके से चेंज होते हैं, क्या और बदलाव आते हैं, आगे पता चलेगा। चेक करते हैं एंजल आंसर्स कार्ड से कि एंजल्स आपको आपके लव सिचुएशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ वन मोर कार्ड, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, नो नीड टू वरी। आपके लिए मैसेज है एंजल्स का कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक कार्ड मांगा था पर दो आए हैं। चेक करते हैं रिकवरी, बहुत जल्दी आपके रिलेशनशिप में रिकवरी होगी। नॉट द राइट टाइम, मे भी कुछ चीज़ों के लिए अभी समय ठीक नहीं है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें गड़बड़ जा रही हैं, उनको वक्त के ऊपर छोड़ दीजिएगा और आप गो विद फ्लो हो जाइएगा। अपने डेली रूटीन पर ध्यान दीजिएगा, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा और खुद के ग्रूमिंग पर फोकस रखिएगा, सेल्फ लव में रहिएगा। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और मेडिटेशन के जरिए आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने लगेंगे फ्रेंड्स। तो ये है रीडिंग, आई होप कि आपको आंसर्स मिले हों फ्रेंड्स। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।